हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम ड्राइव में। एक बार फिर से मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर तनेजा। अब किया की सोनेट के बारे में जो भी ऑफिशियल डिटेल्स थे वो सारे अब हमें पता चल गए हैं। फाइनली किया ने 18 सितंबर को उसके प्राइसेस को भी अनाउंस कर दिया है। तो अब बारी आती है किया की सोनेट के साथ सेगमेंट में जो बाकी गाड़ियां हैं उनके कंपैरिजन की। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे दो गाड़ियों की, किया सोनेट और महिंद्रा की XUV 300 के बारे में, और इन दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेहतर है और आपके लिए एक पैकेज के तौर पर कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी जाकर बैठती है, उसी की बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब किया सोनेट और महिंद्रा की XUV 300 को हम 6 महीनों में आमने सामने रखेंगे। डायमेंशंस, एक्सटीरियर लुक, फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स, इंजन ऑप्शंस और अंत में कीमतों में कितना फर्क है इन दोनों गाड़ियों में, वो भी आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशन से, कौन सी गाड़ी में आपको ज्यादा बेहतर डायमेंशन देखने को मिलते हैं। तो आपको किया की सोनेट में जो लेंथ दी गई है वो है 3995 mm की, और XUV 300 में भी आपको सेम लेंथ देखने को मिलेगी। चौड़ाई की बात करें तो उसमें किया सोनेट में आपको मिलती है 1790 mm की, और XUV 300 में आपको मिलती है 1821 mm की। हाइट की बात करें तो आपको सोनेट में दी गई है 1642 mm की, और XUV 300 में 1627 mm की। व्हील बेस आपको किया सोनेट में दिया गया है 2500 mm का, और XUV 300 में आपको व्हील बेस मिलता है 2600 mm का। बूट स्पेस की बात करें और यहाँ पर आपको XUV 300 का बूट स्पेस जानकर काफ़ी निराशा जरूर होगी, क्योंकि इस सेगमेंट में बाकी जो गाड़ियाँ हैं उसके मुकाबले सबसे कम बूट स्पेस आपको XUV 300 में देखने को मिलता है। तो बूट स्पेस इसमें जो दिया गया है वो है 257 liters मात्र, ये आपको XUV 300 में बूट स्पेस देखने को मिलेगा। जबकि किया सोनेट में आपको जो बूट स्पेस दिया गया है वो है 392 liters का। अब बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पर भी आपको किया की सोनेट XUV 300 से आगे दिखेगी। XUV 300 में आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है वो है 180 mm की, और किया सोनेट में मिलती है आपको 211 mm की। तो डायमेंशन के हिसाब से लगभग दोनों गाड़ियां एक जैसी हैं, लेकिन बूट स्पेस आपको सोनेट में ज़्यादा मिलता है और साथ ही साथ ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको किया की सोनेट में अच्छा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों की एक्सटीरियर लुक्स को लेकर, कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा बेहतर देखने में लगेगी। अब किया की सोनेट की शुरुआत करें तो आपको फ्रंट में ही इसका सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल देखने को मिल जाता है सोनेट में, और जो इसमें हेडलैम्प्स दिए गए हैं वो आपको एलईडी दिए गए हैं, एलईडी डीआरएल आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और XUV 300 में भी आपको जो हेडलैम्प्स दिए गए हैं वो एलईडी हैं और डीआरएल भी आपको उसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल जो फ्रंट लुक का डिज़ाइन है वो आपको किया की सोनेट में थोड़ा फ्यूचरिस्टिक ज़रूर देखने को मिलेगा, जो कि आपको XUV 300 में जो उसका डिज़ाइन है फ्रंट से वो आपको थोड़ा आउटडेटेड देखने में लगेगा। अब सेम हिसाब किताब रियर में भी देखने को मिलता है, जैसे किया सोनेट में आपको जो उसका एलईडी टेल लैम्प क्लस्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने में लगेगा, और साथ ही साथ उसका रियर लुक जो है वो भी काफ़ी बेहतर XUV 300 के मुकाबले आपको देखने में मिलेगा। अब चलते हैं, बात करते हैं इनके फीचर्स के बारे में, कौन सी गाड़ी में आपको ज़्यादा बेहतर फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब सोनेट में आपको पहली बार बैठने के बाद एक एहसास ज़रूर होगा कि ये गाड़ी फीचर लोडेड है। अब इसके मुकाबले इन दोनों गाड़ियों में क्या फीचर्स आपको मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे कि आपको किया सोनेट में दिया गया है 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जबकि आपको XUV 300 में ये 7 इंच का मिलता है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो आपको दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। स्मार्ट एयर प्यूरीफायर या कहें कि वायरलेस प्यूरीफायर आपको सोनेट में देखने को मिलता है, जो कि आपको XUV 300 में नहीं दिया गया है। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स आपको सोनेट में मिलती हैं, जो आपको XUV 300 में नहीं मिलती। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है वो आपको सोनेट में फुली डिजिटल मिलेगा, और XUV 300 में वो आपको फुली डिजिटल नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ आपको दोनों गाड़ियों में दी गई है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है दोनों गाड़ियों में, और रियर एसी वेंट्स आपको सोनेट में देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको XUV 300 में रियर एसी वेंट्स नहीं दिए गए। तो कन्वीनियंस और कम्फर्ट के मामले में ये एक चीज़ और ऐड हो जाती है सोनेट के लिए कि उसमें आपको रियर एसी वेंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल दोनों गाड़ियों में है, और साथ ही साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि TPMS आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलेगा।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स आपको कैसे दिए गए हैं वो बताते हैं। जैसे कि आपको दोनों गाड़ियों में ड्यूअल एयरबैग्स मिलते हैं और ABS विद EBD आपको दोनों गाड़ियों में देखने को मिलता है, जबकि कॉर्नरिंग ब्रेकिंग कंट्रोल आपको सोनेट में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको XUV300 में वो दिया गया है। चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक आपको XUV300 में दी गई हैं, लेकिन आपको सोनेट में वो देखने को नहीं मिलेंगे। सोनेट में सिर्फ आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक दी गई हैं। इसके अलावा चाइल्ड सीट एंकरेज आपको दोनों गाड़ियों में दी गई है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक आपको दोनों गाड़ियों में मिलता है। इंपैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक का फीचर भी आपको दोनों गाड़ियों में मिलता है। रियर पार्किंग सेंसर्स आपको दोनों गाड़ियों में दिए गए हैं और एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसा सेफ्टी फीचर्स आपको दोनों गाड़ियों में नहीं बल्कि आपको सोनेट में देखने को मिलेगा, लेकिन आपको XUV300 में नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों में इंजन ऑप्शंस के तौर पर आपको क्या क्या मिलता है और कौन कौन से गियर बॉक्स का ऑप्शन कौन कौन से इंजन में आपको दिया गया है। तो किया सोनेट की बात करें तो इसमें आपको पेट्रोल में दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जो है 1.2 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और है 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जबकि आपको XUV300 में सिर्फ एक 1.2 लीटर टर्बोचार्ज का ऑप्शन दिया गया है। तो बात करें इन दोनों गाड़ियों के टर्बोचार्ज इंजन की, तो सोनेट में आपको जो 1 लीटर का इंजन दिया गया है टर्बोचार्ज, वो आपको पावर देता है 120 PS की और ये आपको टॉर्क देगा 172 न्यूटन मीटर का, और ये आपको 6 स्पीड IMT और 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स के ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, जबकि इसका जो 1.2 लीटर वाला इंजन है वो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के ऑप्शन के साथ मिलता है। फिर जो XUV300 में जो आपको 1.2 लीटर वाला टर्बोचार्ज इंजन दिया गया है वो आपको पावर देता है 110 PS की और टॉर्क देता है 200 न्यूटन मीटर का, और ये आपको सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ अवेलेबल है। इसमें आपको कोई ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता है, जो कि सोनेट के लिए एक एडवांटेज है। उसमें आपको 1.2 लीटर वाला इंजन तो मिलता ही है जिसमें आपको मैनुअल का ऑप्शन मिलता है, लेकिन आपको इसके टर्बोचार्ज में IMT और DCT का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि आपको XUV300 में सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन दिया गया है। बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के डीजल इंजन की। इन दोनों गाड़ियों में आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है, लेकिन आपको जो XUV300 में डीजल इंजन दिया गया है वो है टर्बोचार्ज। तो सोनेट में आपको डीजल इंजन के दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मैनुअल में और एक ऑटोमेटिक में। तो मैनुअल वाला वेरियंट जो है वो है WGT और ये आपको पावर देता है 100 PS की और टॉर्क देता है 240 न्यूटन मीटर का। फिर इसका जो VGT यानी ऑटोमेटिक वाला डीजल इंजन है वो आपको पावर देगा 115 PS की और टॉर्क देगा 250 न्यूटन मीटर का, और ये आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ अवेलेबल है। तो आपको डीजल में भी ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों के विकल्प सोनेट में देखने को मिल जाएंगे। फिर बात करें महिंद्रा XUV300 डीजल वेरियंट की, तो वो आपको 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन के साथ मिलती है, और इसमें आपको जो पावर मिलती है वो है 116.6 PS की और ये टॉर्क देती है 300 न्यूटन मीटर का, और ये आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक के विकल्प के साथ अवेलेबल है। अब ये दोनों गाड़ियों के इंजन की बात तो होगी और मैंने इन दोनों गाड़ियों को चलाकर भी देखा हुआ है, तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आपको सोनेट में ज़्यादा बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, सेफ्टी वाइज आपको XUV300 ज़्यादा बेहतर मिलेगी, लेकिन ड्राइविंग का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, चाहे वो सस्पेंशन सेटअप की बात हो चाहे वो हैंडलिंग की बात हो, आपको सोनेट में ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेहतर देखने को जरूर मिलेगा। अब अंत में बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों की कीमतों की। तो कीमत जो सोनेट की स्टार्ट हो रही है वो है 6.71 लाख से और ये जाती हैं 11.99 लाख एक्स शोरूम तक इसके टॉप वेरियंट के लिए। फिर दूसरी तरफ XUV300 का जो प्राइस स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 7.95 लाख से और ये जाता है 12.30 एक्स शोरूम तक। अब शुरुआती कीमत की ही बात कर लें तो आपको दोनों गाड़ियों में काफ़ी अंतर मिलेगा, लगभग 1,20,000 का फर्क आपको XUV300 थोड़ी महंगी सोनेट के मुकाबले पड़ने वाली है। शुरुआत में जैसे मैंने सवाल रखा था कि इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए एक बेहतर पैकेज दिखेगी, तो जिन मायनों पर हमने इनको आमने सामने रखा, जैसे कि एक्सटीरियर लुक्स, इनके फीचर्स, डिज़ाइन, डायमेंशंस, इंजन ऑप्शंस और फिर इनकी कीमतें, सिर्फ अगर सेफ्टी फीचर्स या सेफ्टी रेटिंग्स को साइड पर रखें, उसके अलावा सभी मायनों में किया की सोनेट आपको हर मायने में, मैं कहूँ कि आगे XUV300 से ज़रूर दिखेगी। तो अगर आप वेट कर रहे थे इन दोनों गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी को लेने का, तो किया की सोनेट आपके लिए ज़रूर एक बेहतर पैकेज मार्केट में अवेलेबल है। फिलहाल हमारी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।